एक बहुत ही योग्य, सक्षम और कर्मठ प्रत्याशी है जिनके मन में कुछ कच गुजरने की ललक है। आपने उनके भाषण सुने होंगे गत 10-15 दिनों में, तो एक बात वो हमेशा कहते हैं कि मेरा कोई बड़ा एजेंडा नहीं है, मेरा एजेंडा है अजमेर का विकास, औद्योगिक क्रांति, अजमेर में नौजवानों को रोज़गार मिले, और सबसे बड़ी बात अजमेर की जो पेयजल समस्या है उसे मैं 2 वर्ष में ख़त्म करने का वादा करता हूँ। चाहे वो पानी मुझे चम्मच से लाना पड़े, चाहे मुझे भीलवाड़ा से लाइन डाल के लाना पड़े, लेकिन मैं प्रयास करके करूँगा, क्योंकि अजमेर में पानी की कमी से आज तक उद्योग नहीं लगे। और ये उन्होंने भी स्टडी किया कि अजमेर में उद्योग की विपुल संभावनाएँ हैं, यहाँ रॉ मटेरियल भी है, ज़मीन भी है, स्किल लेबर भी है, लेबर भी है, लेकिन पानी की वजह से ये पिछड़ जाता है। तो इन सब बातों को लेकर के वो मैदान में है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनकी बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन कई आपने उनके भाषण में सिवाय मोदी के नाम की माला जपने के अलावा ये बात नहीं सुनी होगी कि उनका विजन अजमेर के लिए क्या है। तो ऐसा एक शिक्षित पढ़ा लिखा नौजवान जब अजमेर के चुनाव मैदान में है, तो मैं आपके माध्यम से जनता मतदाताओं को अपील करता हूँ कि उसे चुन के लोकसभा में भेजें। इसके साथ साथ जो हमारे पास केंद्र ने जो योजना जारी किया है घोषणा पत्र, उसमें 2-3 बातें बहुत ज़बरदस्त है। एक न्याय योजना जिसके माध्यम से 75,000 रुपये प्रतिवर्ष जो 20% सबसे गरीब परिवार हैं, जो करीब 5 करोड़ बनते हैं, उनको 72,000 रुपये प्रतिवर्ष खाते में जाएंगे, और वो खाता होगा महिला मुखिया के नाम, यानी कि 6,000 रुपये पर महीने उन 20% गरीब परिवारों में मिलेंगे जिनकी इनकम 12,000 से कम है। तो उससे निश्चित रूप से उनको स्वाभिमान से जीने का एक अवसर मिलेगा, और साथ ही इस प्रकार 30,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष जब मार्केट में आएंगे तो मार्केट का छोटे व्यापारी और दूसरे मध्यम व्यापारी जी और क्या नाम आपके GDP सब में ग्रोथ होगी। तो ये ऐसा गेम चेंजर घोषणा है कांग्रेस की कि जिसको लेकर के आम आदमी बहुत उत्साहित है। साथ ही दूसरी बात उन्होंने कही है अपने घोषणा पत्र में कि जो मनरेगा में आज 100 दिन काम मिलता है, इस बात को आप सब गवाह इस बात के हैं कि मनरेगा की वजह से ही जो बीच में औद्योगिक रिसेशन आया था पूरे विश्व के अंदर, उससे भारत बच गया था। क्योंकि जब प्रति साल 100 आदमियों के जेब में सरकार का पैसा जाएगा तो वो लौट के मार्केट में आएगा, तो मार्केट कॉलेज होने से बच गया। और अब उसको कांग्रेस जो है यदि राज में आती है दिल्ली में तो 100 से 150 दिन करेगी, क्या वो 150 दिन मिलेगा रोजगार 100 की बजाय, ताकि और ज़्यादा उनको धंधा मिले। इसी प्रकार आंगनवाड़ी और दूसरे जो कार्यकर्ता है सरकार के छोटे वाले, उन कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से जो मिनिमम आय है, जो मिनिमम वेज है, उससे अधिक उनको हर महीने मिलेगा। आज कहीं 3,000 मिलते हैं, कहीं 2,000 मिलते हैं, तो इसका मतलब हर एक को 6,000 से अधिक मिलेगा महीने का, तो ये भी एक उनके सम्मान की बात है। इसी प्रकार से जो उन्होंने घोषणा की है कि 2 वर्ष के अंदर अंदर पेट्रोल और डीजल को वो GST में लेके आएंगे। आज जो जिस तरह से पेट्रोल डीजल मुंह आए खड़े हैं, आप खूब जानते हो इस बात को कि कितना महंगा पेट्रोल हो गया है। जो पेट्रोल 40 रुपये था आज 80 रुपये हो गया। उस पेट्रोल को वापस कम करने के लिए उसको GST में लाने का कांग्रेस का वादा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये वादा ये भी किया है कि LPG गैस की जो इसकी कीमत है उसे रिव्यू करके सब्सिडी के माध्यम से पुनः कम किया जाएगा, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। अभी एक बात का आपने देखा होगा BJP बहुत ढिंढोरा पीटती है कि हमने इतने करोड़ LPG कनेक्शन दे दिए फ्री में, उसमें आप यदि उनसे पूछे कि दोबारा कितने आदमी ने रिफिलिंग करवाई, तो एक भी नहीं मिलेगा आपको। एक का मतलब 5-10% मिल जाए अलग बात है, दोबारा रिफिलिंग कराने वाले बहुत कम मिलेंगे। क्या टैक्स वो उसकी बात भी उन्होंने कही है, उसकी बात भी उन्होंने कही है। 72,000 और दे रहे हैं ना, पॉकेट के नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए भी कहा, अर्थशास्त्रियों का एक सर्वे भी आया था इसके अंदर
कि इतने ज़्यादा अपने गवर्नमेंट में जो खर्चे हैं ना, सरकारी खर्चे, वो कम करके वो पैसे बचाए जाएंगे। और एक बात और किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने कि जो किसान का कर्जा माफ़ राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ में किया, उसी तर्ज पर वो कर्जा माफ़ी पूरे देश में की जाएगी। क्योंकि किसान की मर्यादा ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और किसान के बिना इम्प्रूवमेंट के GDP देश की बढ़ती भी है तो उसका मीनिंग नहीं है। एक सबसे बड़ी जो घोषणा की है कांग्रेस ने घोषणा पत्र में, वो है 20 लाख नौकरियों की। आज की तारीख में सरकार में 20 लाख पद खाली पड़े हैं। तो राहुल जी ने घोषणा करी है कि सन 2020 के मार्च तक हम ये 20,000 पद जो खाली पड़े हैं सरकारी नौकरी में, वो भर देंगे। और साथ ही 10 लाख पद म्यूनिसपैलिटी और नगर पालिका, उसमें जो सेवा मित्रों के हैं वो भरे जाएंगे। तो कुल मिला के 30 लाख पद 2020 तक यदि धंधा प्राप्त करते हैं नौजवान, तो बहुत बड़ी बात है ये। कुल मिला के जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो गेम चेंजर है। और इसके बाद मतदाता में जो उत्साह आया है चुनाव को लेकर के, वो भी देखने लायक है। इसी प्रकार से राजस्थान में 100 दिन में गहलोत सरकार ने किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया, किसान का बिजली का बिल 5 साल नहीं बढ़ेगा ये घोषणा कर दी, जो वृद्धावस्था पेंशन है और जो विधवा पेंशन है, जो 500 थी वो 750 कर दी, जो 750 थी वो 1,000 कर दी, जो BPL परिवार को राशन गेहूँ मिलता था उसके दाम कम कर दिए, पानी का बिल गाँव में माफ़ कर दिया, शहरों में हाफ कर दिया। ये आपके जब रिफाइनरी लगेगी इतनी सब्सिडी आएगी, ये सरकार संगवान पैदा करेगी। देखो उसमें गरीब को भी जीने का अधिकार है, आपके जेब पर डाका नहीं पड़ेगा, आपके जेब पर डाका नहीं पड़ेगा, वो भी वही बढ़ेगी, वो भी हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो आप। आपके 750 नहीं, 750 से 1,000 हो गई है, 750 से 1,000 हो गई है, और 500 से 750 हो गई है। और आपकी जो सलाह है ये मैं ऊपर पहुंचाऊंगा कि भाई अजमेर के पत्रकार ने मांग करी है, आलो आपत्ति क्यों हो रही है कि भाई इसको 5,000 कर दो, वो वहां जाके पहुंचाएंगे हम। संजय माथुर जी कह रहे हैं ये काम आप पहले कर लेते थे, नौबत ही नहीं आती। चलो कोई बात, देर आए दुरुस्त आए। एक सबसे एक बात और रहता हूँ नौजवानों के लिए कि 5 साल तक छोटे उद्योग लगाने वाले किसी भी ग्रेजुएट को, नॉन ग्रेजुएट को, नौजवान को सरकार से कोई वो नहीं लड़ी है परमिशन, और न उन पर कोई सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, GST कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, उसको कुछ भी नहीं है। 5 साल बाद जब वो रिवाइव कर लेगा अपने धंधे को, उसके बाद सरकार उससे अपना हिसाब पूछेगी, उससे पहले कुछ नहीं करेगी। बाहर तो वोट दो केवल, नहीं नहीं 5 साल है, अरे वोट तो अभी नहीं, पहले साल का समय लिया था तो नहीं, मेरी कोई बात मैं कहना, दे रहा है दुरुस्त है। भिलवाड़ा से ला रहे पायलट, देखो पायलट साहब भी आईवाडा लेके आए, पायलट साहब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पायलट साहब सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेके आए, पायलट साहब केकड़ी में 80 करोड़ रुपए का IT के सेंटर लेके आए, BSNL का। पायलट साहब 50 ट्रेनें लेके आए, पायलट साहब ने काम नहीं किया ऐसा नहीं है, काम उन्होंने भी किए। सवाल ये नहीं है, देखो सवाल जिसका आज मेरे पास सुनो, जो राजस्थान संभाल रहे हैं, राजस्थान PCC चीफ है, डिप्टी चीफ से चीफ मिनिस्टर है, वो 25 सीटें लड़वा रहे हैं। ये उम्मीदवार पायलट साहब के क्यों इतना करते हो आप? अशोक गहलोत साहब के उम्मीदवार हैं, रघु जी के उम्मीदवार हैं, वैश्य को टिकट देना था, भाईती जी क्यों नहीं? वैश्य एक मिलेगा, टिकट एक को मिलेगा, भाईती जी यही कह रहे हैं, भाईती जी ने मांगा, उसने मांगा, दोनों एक को मिल गया, ऐसी दिक्कत क्या है? आप अब जो लेकिन मैं बताता हूँ, उस उम्मीदवार में आपको कमी नहीं निकाल सकते, आप में नहीं, पढ़ाई में, लिखाई में, योग्यता में, क्षमता में, तो मैं कब कराऊँ? हाँ बिल्कुल है, वो भी योग्य है, वो भी समझदार है। चंबल का पानी आप ऐसा करना, आप सब पत्रकार लोग जो है अपने काउंटर पार्ट से बिलवाड़े में पूछता, वहाँ पानी सरप्लस है, और सरप्लस है सन 45 तक, अभी नहीं है, इतना सरप्लस है भिलवाड़ा में, इतना सरप्लस है, इतना सरप्लस हमारे मांगे हमारी बड़े मांगे नहीं करते, नहीं नहीं चंबल ही चंबल का कह रहे थे, वही चंबल का ही तो है, वो पानी चंबल का ही है, वो पानी किससे किया?
सीपी ने, सीपी जोशी ने, सीपी जोशी ने किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो वो भी कांग्रेस के ही है। इसके बाद अजमेर का, अजमेर में आज से जो विकास चल रही है, बता दो मुझे जी को, जो भी बोला ना एडीए चेयरमैन, जो भी अजमेर में यूनिट आई है, जो भी विकास अजमेर में आया है, वो कांग्रेस के टाइम आया है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे रीजनल कॉलेज हो, चाहे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका हवाई अड्डा हो, लालावता जी भी, डॉक्टर बायती जी भी, विजय जैन जी भी, मुस्तफा जी भी, आपके कहना हमारे अनुपम जी भी, सब करेंगे, काम सब करेंगे। तो विधानसभा क्यों हार गया अपन इतनी सारी? हार के देखो, जीत चुनाव है, चुनाव में हार जीत दोनों चीज हो सकती है, चुनाव में हार भी होती है, जीत भी होती है। जो लोकल आदमी को नहीं जीता पाया, वो भीलवाड़ा वाले, उसका धंधा विजयनगर में है, उसका धंधा भीलवाड़ा में है, उसका धंधा क्या नाम बांसवाड़ा में है, उसका धंधा राजसमंद में है, उसका धंधा पांच दस जगह। ये उसने नहीं, ये उसने वादा किया है कि वो आपको अवेलेबल रहेगा, आपकी कॉल पे, आपकी डिमांड पर अजमेर में रहेगा, अजमेर में उसका स्थायी निवास रहेगा, अजमेर में उसका स्थायी ऑफिस रहेगा, और वो आपकी हर समस्या को एड्रेस करेगा। ये उसका वादा है, और जिस तरह वो बोलता है चुनाव लड़े जी में स्थायी निवास, जिस तरह समझे नहीं यार, जिस तरह वो बोलता है, उस व्यक्ति के बोलने में उसकी नीयत में मुझे शंका नहीं लगती है। वो जितना प्लेनली बोल रहा है, वो बहुत प्लेन से, इसलिए आप चिंता मत करो। आप इसको देखो, इस बात की मेरी बात सुनो, करेगा और नहीं करेगा तो आगे 5 साल लेने आ रहे वहां वाले घोड़े मैदान, वो तो आप तो मैं कल सुनो आपको, अब सुनो, मैं कल आपकी इसकी एक स्पीच की बात बताता हूँ। कल हम एक स्पीच में गए थे, आपने वहाँ सुनो, एक आप रेलवे वालों के यहाँ, उसने बोला भाई मेरा एजेंडा ये है, अजमेर का औद्योगिक विकास, अजमेर का पानी और बेरोजगारी को रोजगार, बाकी बड़े मुद्दे तो बड़े नेताओं के हैं, राफेल में क्या होगा, राफेल में क्या नहीं होगा। हाँ, हमारे एक हमारी डिमांड एक और है हमारे घोषणा पत्र में कि कांग्रेस का राज आया तो राफेल सहित उन सब सौदे जांच कराई जाएगी जिनमें थोड़ी भी घपले की बू आती हो, ये भी कांग्रेस करेगी। समय बेटा घपला कर वाला, तो इसलिए वो पता पड़ जाएगा, तो वो सामने आ जाएंगे ना, क्या दिक्कत है? समय बेटा वो बेटा वही सामने आ जाएंगे, क्यों चिंता करते हो आप? आप ये बताओ भाई, दीजिए आपको टिकट क्यों नहीं मिला सीधी।